जयपुर रनर्स क्लब की ओर से बुधवार 24 जुलाई को विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज में फिटनेस मंत्रा विषय पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल में जयपुर रनर्स के को फाउंडर व जयपुर मैराथन के फाउंडर एंड CEO मुकेश मिश्रा, गोल्डन डिवाइन के डायरेक्टर व जयपुर रनर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंशुल जैन, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर संजय बियानी मौजूद रहे, जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्राओं को स्वयं भी स्वस्थ रहने व अन्य लोगों को भी फिटनेस के लिए प्रेरित करने का मैसेज दिया। संजय बियानी ने चर्चा के दौरान कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। बियानी गर्ल्स कॉलेज की सभी छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप में पारंगत करने के लिए कॉलेज विभिन्न प्रोग्राम शुरू करेगा, जिससे नर्सिंग के क्षेत्र में खुद को तैयार कर रही छात्राएं हर चुनौती के लिए तैयार हो सके। साथ ही उनका मिशन हो खुद को एक नर्सिंग होम तैयार करना, जहां वह आत्मनिर्भर तरीके से मरीजों की सेवाएं कर पाए और मिशन फिटनेस को सफलतापूर्वक ढंग से पूरा कर पाए। चर्चा के दौरान मुकेश मिश्रा ने आगे कहा कि एक बच्चा सबसे पहले चलना सीखता है और फिर बड़ा होते हुए सबसे आगे निकलने की दौड़ में भागने के लिए सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जीवन के संघर्ष में अपने शरीर को स्वस्थ रखने की दौड़ में वह पीछे रह जाता है, जबकि सबसे जरूरी है खुद को फिट रखना। यही कारण है कि जयपुर रनर्स क्लब समय समय पर मैराथन रन का आयोजन करता है, जहां विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोग आकर हिस्सा लेते हैं। छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित करते हुए अंशुल जैन ने कहा कि सभी स्टूडेंट को खुद का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बता दें कि त्रिमूर्ति बिल्डर्स और जयपुर रनर्स क्लब संयुक्त रूप से व बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज व GCL के सहयोगी से त्रिमूर्ति मानसून रन के 8वें संस्करण का आयोजन 4 अगस्त को किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट को कुक्स स्थित लोहागढ़ रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा, जहाँ शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग भाग लेंगे। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर आज नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 बिहार विधानसभा में पेश किया। इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया और इस कानून के तहत आरोपियों के लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरी MP MLA कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान शाह पर निजी हमला किया था। UG NEET 2024 के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। ये प्रस्ताव परीक्षा में धांधली के खिलाफ लाया गया था। इसमें कहा गया है कि परीक्षा में धांधली हुई है और बंगाल सरकार चाहती है कि मेडिकल के लिए होने वाली इस परीक्षा से बंगाल को बाहर रखा जाए। बंगाल से पहले तमिलनाडु विधानसभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। BJP नेता सुरेश कर्मशी नखुआ ने फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दर्ज किया है, जिसके बाद कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन भेजा है। राठी ने 7 जुलाई को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज किया था, जिसके बाद से सुरेश कर्मशी नखुआ ने उन पर हिंसा और अपमानजनक ट्रोल करने का आरोप लगाया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।